वायरस स्टार्टिंग में ही रुक सकता था, वहाँ ये आंकड़ा अब 50 लाख से भी ऊपर पहुँचने वाला है। लास्ट और फाइनल स्टेज होती है जिसमें स्प्रेड प्रैक्टिकली अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और नमस्कार दोस्तों, वायरस एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है। ये ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है, आपकी घड़ी से लेके आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, हर जगह। और ये ऑलमोस्ट हर एक लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट करता है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। तो इनमें से दोस्तों कोरोना वायरसेस एक लार्ज फैमिली है वायरसेस की। इन्हें कोरोना वायरस इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इनके सरफेस पे क्राउन लाइक स्पाइक्स होती हैं, कुछ ऐसे। ये दोनों एनिमल्स और ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं पर ह्यूमंस में भी जंप कर सकते हैं, और अगर जंप कर जाए तो आगे का हाल आप जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि कोरोना वायरस इसकी फैमिली में से इस टाइम कोई पहली बार वायरस स्प्रेड हुआ है। सार्स वायरस 2002 में स्प्रेड हुआ था, मर्स वायरस 2012 में स्प्रेड हुआ था, और COVID-19 जो कि इस साल स्प्रेड हुआ है, ये सब कोरोना वायरस की फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि दोनों सार्स और COVID-19 की सबसे पहली रिपोर्ट चाइना में से ही आई है। दिसंबर 2019, चाइना की वुहान सिटी में सबसे पहला COVID-19 केस रिपोर्ट हुआ। 30 जनवरी 2020 WHO ने एक पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी जारी कर दी, और 11 मार्च 2020 को इसे एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन 11 मार्च तक आते आते दोस्तों 1 लाख से भी ज्यादा केसेस आ चुके थे पूरे वर्ल्ड में, और 4,000 से ज्यादा डेथ हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि तब तक वायरस बहुत फैल चुका था। तो इंडिया का फर्स्ट कंफर्म्ड कोरोना वायरस केस 30 जनवरी को रिपोर्ट हुआ। वो स्टूडेंट थी वुहान यूनिवर्सिटी चाइना की, और हाल ही में केरल आई थी। लेकिन तब तक इंडिया सिर्फ 3 ही एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग कर रहा था, और वो भी सिर्फ उन लोगों की जो चाइना या हांगकांग से लौटे थे। तो इसे मैं सरकार की नाकामी कहूँ या लापरवाही कि इतना वायरस फैलने पर भी स्क्रीनिंग शुरू ही नहीं हुई थी। सब जगह स्क्रीनिंग ही नहीं हो रही थी, बल्कि 20 और देशों में तब रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ चुकी थी। तो देखते ही देखते दोस्तों 25 मार्च तक ये आंकड़ा 600 से भी ऊपर पहुंच गया, और इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया। तो जहां वायरस स्टार्टिंग में ही रुक सकता था, वहां ये आंकड़ा अब 50 लाख से भी ऊपर पहुंचने वाला है। और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया टॉप नंबर पर आ जाएगा, टॉप रैंक पर आ जाएगा कोरोना के केसेस में। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि कोरोना वायरस से कोई भी कंट्री नहीं बच पाई। सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, ऐसी जगहों पे इन्होंने शुरू में ही वायरस को रोक लिया, स्प्रेड ही नहीं होने दिया। नॉर्थ कोरिया और मार्शल आइलैंड जैसी जगहों पे एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो अब बात कर लेते हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के वर्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स में आता है। इंडिया का रैंक भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी नीचे है। सिर्फ 1.29% ऑफ GDP ही स्पेंड की जाती है हेल्थ केयर पे, मतलब सिर्फ 1%। बहुत ज्यादा शॉर्टेज है हेल्थ केयर स्टाफ की। बॉम्बे, बेंगलुरु और भी बहुत सी जगहों पे बेड्स की कमी देखने को मिल रही है, पीपी किट्स की कमी मिल रही है, मास्क की कमी मिल रही है, जिसके रीजन के कारण एम्स जैसी जगहों पे भी स्ट्राइक्स हो रही है। लेकिन यहाँ मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और सभी लोगों का, जिनकी वजह से इंडिया का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, 77% से भी ज्यादा है। सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे। तो जितनी बात रही दोस्तों कोरोना वायरस के स्प्रेड होने की स्टेजेस की, तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से पहली स्टेज में दोस्तों वायरस लोकली स्प्रेड नहीं करता। मैक्सिमम वही केसेस होते हैं जिनकी पहले ट्रेवल हिस्ट्री होती है किसी इफेक्टेड कंट्री में। स्टेज 2 में दोस्तों लोकल ट्रांसमिशन होता है। जो भी इन्फेक्टेड लोग कंट्री में आए होते हैं, वो जिनसे भी कांटेक्ट में आते हैं, उनके फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी, उन्हें वो वायरस ट्रांसमिट करते हैं। ये होती है स्टेज 2। स्टेज 3 में इन्फेक्शन का सोर्स ट्रेसेबल नहीं रहता। इसमें वो भी लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं जिनकी कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री ना हो, तो स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टेज 4 लास्ट और फाइनल स्टेज होती है, जिसमें स्प्रेड प्रैक्टिकली अनकंट्रोलेबल हो जाता है और पूरी कंट्री में ही इन्फेक्शन फैल चुकी होती है। इंडिया इनमें से दोस्तों स्टेज 3 पर पहुंच चुका है। हर रोज के 95,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वैक्सीन का इस साल आने का कोई चांस नहीं दिख रहा, और तो और री इन्फेक्शन हो रही है। जो लोग पहले ठीक होकर जा चुके हैं उन्हें दोबारा से कोरोना वायरस हो रहा है।
तो इससे बचने का यही तरीका है दोस्तों कि इस वायरस के कॉन्टेक्ट में ही ना आए, एक्सपोज ही ना हो। वायरस मेनली पर्सन टू पर्सन सेपरेट करता है जो कि क्लोज कॉन्टेक्ट में हो। ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी सेपरेट करता है, जो बोलते टाइम, स्नीजिंग टाइम, कफ टाइम एक पर्सन के मुंह से निकलते हैं। उस ड्रॉपलेट्स में जो वायरस होता है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है थ्रू माउथ या नोज। इसके सेपरेट को रोकने के लिए दोस्तों अपने बार बार हाथ धोएं, स्पेशली जब आप पब्लिक प्लेस से आए हो। बिल्कुल अवॉइड करें अपने आईज, नोज, माउथ को टच करना और क्लोज कॉन्टेक्ट भी। और हमेशा मास्क डालें, क्योंकि उस मास्क के थ्रू वो जो ड्रॉपलेट्स हैं जो आपके माउथ से निकलते हैं उसे हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि जिंदगी में हर चीज जरूरी है, एक देश की इकोनॉमी को स्टेबल करना भी जरूरी है, लेकिन हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ इन लाइफ, इससे जरूरी कुछ नहीं। और ये एक बीमारी भी ऐसी है जिसमें जरूरी नहीं कि आपको कोई सिम्टम्स दिखे, और जिन्हें कुछ दिखता है तो वो फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। बस मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप अपना ख्याल रखेंगे और मास्क डालेंगे, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। नमस्कार। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमें इसका सेपरेट रोकना है, क्योंकि अगर सेपरेट रुक गया तो ये आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा किसी और पर्सन को। सो सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेटिव लर्निंग को ऐसे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ इसका बेल आइकन भी दबा दें मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।